हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। अभी हम हैं सेक्टर 99 गुड़गांव में, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे आता है, और यहां से हम अपनी आगे की जर्नी जो है वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में NH 48 से हमने द्वारका का जो एक्सप्रेसवे है वो खैर की धोला से लिया था गुड़गांव की तरफ से। सेक्टर 104, 108, 86 से होते हुए हम आए हैं सेक्टर 99 की तरफ। लगभग 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमने कवर कर लिया है अभी तक, और अब हम आगे का जो 19 किलोमीटर का जो रास्ता है वो कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कहां कहां पे रोड जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। तो आज हम यहां द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 99 से जाने वाले हैं शिवमूर्ति महिपालपुर तक। पूरा का पूरा रास्ता जो है हम कवर करेंगे। 19 किलोमीटर का जो रास्ता है वो हम कवर करने वाले हैं। 10 किलोमीटर का हमने कवर कर लिया है, अगर आप देखना चाहें तो लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। सामने जो आपको ये क्रॉसिंग दिख रही है या सर्कल दिख रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्कल है क्योंकि ये बसाई क्रॉसिंग है, और यहीं से बसाई रेल ओवर ब्रिज के पास से ही ये जो फेज 4 है इस प्रोजेक्ट का वो कंप्लीट होता है गुड़गांव की तरफ से आने पर। तो लगभग 9 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो यहाँ एंड होता है, और इसके बाद से जो अगला स्ट्रेच है फेज 3 का वो यहाँ से स्टार्ट होके दिल्ली गुड़गांव जो बॉर्डर है वहाँ तक जाता है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सर्विस लेन पूरी तरीके से तैयार है, मार्किंग हो चुकी है, लेन मार्किंग हो चुकी है, जो सारे के सारे जो बोर्ड्स हैं वो लग गए हैं। थोड़ा बहुत जो हॉर्टिकल्चर का काम होना है, ग्रीनरी का काम होना है, वो यहाँ पर रहता है, लेकिन अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। यहाँ पीछे जो आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जॉयविल, जो कि 102 सेक्टर गुड़गांव में आता है। और अगर इस तरफ के रेट्स की बात करें तो जो हमने अभी आपको प्रोजेक्ट दिखाया उसमें आपको 2 BHK का जो फ्लैट है वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास मिलेगा। तो इस तर्ज पर इस तरफ के जो रेट्स हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ चुके हैं। अभी ये जो ट्रैक है अभी ओपन नहीं हुआ है एक्सप्रेस वे, तो आप लगा सकते हैं कि किस तर्ज पर इस एक्सप्रेस वे की वजह से ये पूरा का पूरा एरिया जो है इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। राइट में जो आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है ये ATS का ATS ट्रम्फ है, जो कि 104 सेक्टर में आता है। यहाँ से आगे आने पर हम 103 जो सेक्टर है उसकी तरफ आ जाते हैं, और 103 जो सेक्टर है वहाँ पर आपको दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है इसी एक्सप्रेसवे पे मिल जाता है। सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वो है DPS स्कूल 103 सेक्टर गुरुग्राम का। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो स्ट्रेच है इसके ओपन करने की कोशिश की जा रही है, जो गुड़गांव का स्ट्रेच है आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, मशीनें भी यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि अगले 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर ये जो स्ट्रेच है गुड़गांव का 20 किलोमीटर का वो ओपन कर दिया जाएगा। और अगर आप यहाँ देखें ड्राइविंग करके, आप देखें पहले से भी यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं, इन्हें अनऑफिशियली चल रही हैं, की वजह से जो एक्चुअल रोड है NH 48 वहाँ का जो ट्रैफिक है काफ़ी कम हो जाता है, तो इसलिए ये ओपन कर रखा है। लेकिन ऑफिशियली इसे अभी 10 से 15 दिन में ओपन कर दिया जाएगा, तब ये जो ऊपर की एलिवेटेड रोड है वो भी यहाँ पर चलने लग जाएगी। और इस तरफ आप देखें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस भी चल रही हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं, स्कूल्स जो हैं, हॉस्पिटल्स, वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। अगर गौर से देखें तो बस यहाँ पर जो ग्रीनरी है, हॉर्टिकल्चर है, उसका काम ही रहता है, अदरवाइज जो बाकी सारा काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। रोड्स हमने लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, रोड्स बिल्कुल स्मूथ हैं, बहुत ही अच्छी बनाई गई है, काफ़ी वाइड भी हैं और कहीं पर कोई दिक्कत भी नहीं है। जो स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी मजबूत है, यहाँ पर काफ़ी ह्यूज जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं दिल्ली NCR की कनेक्टिविटी के लिए। और सामने अगर आप देखें जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं वो सेक्टर 109 है, और वहाँ पर आपको शॉपिंग मॉल भी मिल जाएगा। सामने जो है वो मॉल है, कॉन्सियंट मॉल नीचे, और ऊपर जो है कमर्शियल स्पेस है, ऑफिशियल स्पेस भी है, यहाँ पर साथ में जो रेजिडेंशियल है वो स्पेस भी है। यहाँ से हमने जो है लेफ्ट की तरफ रास्ता लिया, ये एक्सप्रेसवे से अंदर की तरफ आता है सेक्टर 109 की तरफ। हम हल्का सा यहाँ का नज़ारा लेके वापस एक्सप्रेसवे पे आ जाएंगे। तो हम यू टर्न लेके रोड की दूसरी तरफ आ गए हैं, और पास से अगर इस मॉल को देखें तो आपको सारा का सारा ये जो मॉल है ऑपरेशनल दिखेगा। तो ये अच्छी बात है कि ये जो जगह है ये पूरी तरीके से ओपन है, आप यहाँ पर आ सकते हैं।
और ये जो बसावट है उसके साथ साथ जो मॉल्स वगैरह सब खुल गए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो ये एक्सप्रेस वे है अभी टोटली ओपन नहीं हुआ है। जब ये ओपन हो जाएगा तो ईजिली आप यहाँ पर आ सकते हैं। लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर आप गुड़गांव NH 48 की तरफ से आते हैं, दिल्ली की तरफ से आते हैं, तो हार्डली 14 मिनट का डिस्टेंस है। और क्योंकि ये एक्सप्रेस वे पे है तो यहाँ पर आने में आपको 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं दोनों तरफ से। सामने अगर आप देखें ऊपर एलिवेटेड जो एक्सप्रेस वे है वो है, और नीचे हम इस पर जो सर्विस लाइन है उस पर वापस आ जाएंगे। यहाँ लेफ्ट में आपको काफी ऊंची बिल्डिंग दिखेगी अंडर कंस्ट्रक्शन। ये इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट है, इंडिया बुल्स 109 इसका नाम होने वाला है। कमर्शियल प्लस रिटेल जो है वो होगा ये। सामने सेक्टर 9 का सेंट पीटर चर्च भी है, और इसी के राइट में यहाँ पर पालम विहार आ जाता है, न्यू पालम विहार, जो कि गुड़गांव का न्यू पालम विहार है। यहाँ से आगे आने पर हम अंडरपास के थ्रू ट्रैवल करने वाले हैं। सामने अगर आप देखें तो आपको अंडरपास नज़र आ जाएगा, और ये अलग अनोखी बात है इसकी, क्योंकि ऊपर एलिवेटेड रोड है, साथ में सर्विस लेन है, और उसके बाद भी यहाँ पर अंडरपासेस बनाए गए हैं ताकि कहीं पे भी ट्रैफिक जो है वो बॉटलनेक ना हो और हर तरफ स्मूथली ट्रैफिक चल सके। चार लेयर पे यहाँ पर आपको रोड्स मिल जाएंगे, अंडरपासेस है, सर्विस लेन है, एलिवेटेड रोड है, और उसके ऊपर भी ओवर ब्रिजेस बनाए गए हैं कई कई जगहों पे। इसीलिए इसे स्टेट ऑफ द आर्ट जो डिजाइन है वो कहा जा रहा है। अभी तक हमने लगभग 16.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है खैरकी धोला से NH 48 जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से हमने द्वारका एक्सप्रेसवे पे कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे जाने पर अगले 2 से 2.5 किलोमीटर पर ये जो रोड है ये बंद है, क्योंकि जो गुड़गांव का स्ट्रेच है उसके पास जो दिल्ली की कनेक्टिंग रोड है बीच में थोड़ा काम होना बाकी है। तो अब हमें दिल्ली जाने के लिए यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा, बघेरा रोड से हमें कापड़सेड़ा नजफगढ़ रोड पर जाना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रेच अगर आप देखें तो पूरा का पूरा तैयार है, ऑलमोस्ट रेडी है। सीधा आगे अगर जो रोड अगर आप देखें तो वहाँ भी आराम से आप जा सकते हैं। ये नीचे बघेरा का अंडरपास है, ये जो जगह है ये 113 और 112 सेक्टर है गुड़गांव का। यहाँ से हमने ये लेफ्ट रास्ता लिया है, आगे से हम जैसे मैंने आपको बताया नजफगढ़ कापड़सेड़ा जो रोड है उस पर जाएंगे, वहाँ से यशोभूमि जिस तरफ है द्वारका की तरफ उस तरफ से वापस कनेक्ट कर जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे से। ये लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस रहने वाला है जहाँ से हमने स्टार्ट किया है द्वारका एक्सप्रेसवे से नजफगढ़ कापड़सेड़ा जो रोड है वहाँ तक का। ये जो लेफ्ट राइट में आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स देख रहे हो यहाँ पे टाटा हाउसिंग का ला विडा प्रोजेक्ट भी है, और ये 112 और 113 सेक्टर है गुड़गांव के। और सामने जो आपको रोड नजर आ रही है जिसपे ट्रैफिक चल रहा है ये है नजफगढ़ कापड़सेड़ा रोड, हम इस पर आ चुके हैं। और इससे थोड़ा दूर जाते हम वापस जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो होती हुई हमें नज़र आ जाएगी। अगर यहाँ पर आप देखें तो आपको बोर्ड्स जो है वो नज़र आने लगे होंगे डाइवर्जन के, तो सामने से ही आगे से आपको जो कंस्ट्रक्शन है दिल्ली साइड की वो भी बहुत ज़्यादा पेस पे होती हुई नज़र आ जाएगी, क्योंकि दिल्ली का भी जो पार्ट है इसे भी नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ओपन करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत काम होना है, क्योंकि ये जो जगह है ये एक तरीके का बॉटलनेक है जहाँ पर काम होना है। बाकी आगे जैसे हम जाएंगे दिल्ली के और अंदर सेक्टर 25 की तरफ तो आपको काम पूरी तरीके से कंप्लीट दिखेगा। राइट में अगर आप देखें तो जय कुमार का जो बोर्ड है वो लगा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। जय कुमार जो है वो दिल्ली के साइड का जो प्रोजेक्ट है वो कंपनी ही कंस्ट्रक्ट कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एलिवेटेड जो है बीम से लेकर पूरा का पूरा ट्रैक जो है वो बन चुका है, तो थोड़ा जो पैच है वहाँ पर काम होना है, बाकी ऊपर का सारा एलिवेटेड काम हो रखा है। और यहाँ से हम हल्का सा टर्न लेके लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे, वहाँ से यशोभूमि भी हमको साफ साफ दिखेगा। ऑलमोस्ट हम सेक्टर 25 के पास में पहुँच चुके हैं द्वारका में। और यहाँ से भी अगर आप देखें तो दिल्ली की तरफ का भी आपको काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे नज़र आएगा। नीचे आप ये जो देख रहे हैं एक तरीके से सर्विस रोड्स हैं, ऊपर एलिवेटेड ट्रैक है, और ये जो रास्ता है ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अंडरपासेस भी यहाँ पे ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुके हैं। और ये जो रोड है जिस पर भी हम जा रहे हैं ये आगे आपको जो द्वारका अंडरपास है उस पर कनेक्ट कर देगी बड़ी आसानी के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो एरिया आपको कंप्लीट नज़र आएगा। लेफ्ट में आपको IICC की बिल्डिंग भी नज़र आएगी जिसको कि पिछले महीने इनॉग्रेट किया गया है। तो इसके पैरेलल में ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे का ट्रैक है ये यहाँ से आएगा और उसको भी कनेक्टिविटी देगा।
सामने आपको लॉन्चर्स भी नज़र आ रहे होंगे। और ये जो रोड है ये अभी ट्रायल बेसिस पे ओपन की गई हैं, कभी बंद हो जाती हैं कभी ओपन हो जाती हैं, तो ये ट्रायल बेस पे है। और आगे हम इस रोड से कनेक्ट कर जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, द्वारका जो अंडरपास है, बिजवासन रेलवे ब्रिज भी कहा जाता है उसको, तो वहाँ पर। यहाँ इस रोड से आपको लेफ्ट में द्वारका का जो सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है, सामने अगर आप देखें तो द्वारका का सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है, ब्लू लाइन जो है वहाँ से नोएडा और इंदिरापुरम की तरफ जाती है। यहाँ सामने जो आपको उजाला सा दिख रहा है वो अंडरपास है, द्वारका अंडरपास, जहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ से ये बैरिकेडिंग अगर आप देखेंगे, जैसे ही यहाँ से आप लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं तो जो एक्चुअल रोड है, जो पहले से रोड चली आ रही है द्वारका सेक्टर 21 की तरफ से जो आ रही है और NH 48 की तरफ जाती है, उस पर आप आ जाएंगे। और यहाँ से सामने अगर आप देखें तो अंडरपास आपको नज़र आ जाएगा, बिजवासन रेलवे अंडरपास भी इसे कहा जाता है। और ये जो है फेज़ वन का जो पार्ट है वो पहला पार्ट यही है, अगर दिल्ली की तरफ से आते हैं 5.5 किलोमीटर का, और यहाँ से जो फेज़ वन है द्वारका एक्सप्रेसवे का उसमें चले आते हैं। तो अभी तक हमने लगभग 24 से 25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया है, पूरा का पूरा हमने द्वारका एक्सप्रेस जो है NH 48 से स्टार्ट किया था इससे पिछली वीडियो में, और आज हम इसे एंड करने वाले हैं शिव मूर्ति पर। तो आपने देखा कि कितना सारा जो एरिया है ऑलमोस्ट तैयार है, गुड़गांव का तो ऑलमोस्ट तैयार है, बीच में जो बिजवासन का जो एरिया है वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है उसका थोड़ा बहुत काम रहता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो रोड है ये कम्प्लीट है, मगर नीचे जो टनल है उसका काम हो रहा है और वो काम भी अगले 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेफ्ट में यहाँ पर एयरपोर्ट है सारा का सारा। यहाँ राइट में अगर आप देखें तो डिवाइडर के अंदर मिट्टी जो है उसको भरने का काम शुरू हो चुका है, मिट्टी यहाँ पर अगर आप देखें तो लगा दी गई है, और उसके बाद यहाँ पे प्लांटेशन भी होंगी थोड़ी बहुत। और रोड जो है यहाँ पर, ये सारी की सारी जो रोड है काफ़ी ज़्यादा वाइड की गई है, और बीच में अगर आप देखें राइट साइड में तो ब्लैक टॉप हो चुका है, इस तरफ अभी होना बाकी है लेकिन राइट की तरफ पूरा हो चुका है। अभी शाम का वक्त हो चुका है और आप देखें तो रात भी होने वाली है। हमने ये जर्नी दिन के वक्त शुरू की थी और अब 30 किलोमीटर के बाद, इनफैक्ट 35 किलोमीटर हमने पूरा जो थोड़ा बहुत हमने एक्स्ट्रा जो ड्राइव किया है उसकी वजह से, तो 35 किलोमीटर के बाद हम दिल्ली में वापस NH 8 जो कि दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे है महिपालपुर, वहां पहुंचने वाले हैं। और इस तरफ भी आप देखें तो काम यहां पर भी थोड़ा बहुत जारी है, लेकिन ऐसा काम नहीं है जिसको कि जल्दी से जल्दी निपटा नहीं दिया जा सकता। तो जो असली काम है वो टनल का काम है जो नीचे हो रहा है और वो भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाला है, और उसके बाद ये जो पूरी की पूरी रोड है जो आपको अभी डिवाइडर ब्लॉकेजेस और व्हीकल्स नज़र आ रहे हैं ये सब हट जाएंगे यहाँ पर और पूरा स्मूथली जो है ट्रैफिक एक लेन में चलने लग जाएगा। ये जो जगह आपको दिख रही है यहां से जो टनल है जो नीचे से बनाई गई है, 8 लेन की टनल बनाई जा रही है, वो यहां से स्टार्ट होगी और जैसे मैंने आपको दिखाया था अंडरपास जहां पे था द्वारका अंडरपास या बिजवासन रेलवे अंडरब्रिज, वहां पे जाके वो ओपन होगी। तो लगभग 3.5 किलोमीटर की जो टनल है वो रहने वाली है इसमें, और इंडिया में पहली बार 8 लेन की टनल बनने वाली है। तो नाउ ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं NH 48 पर। सामने यहां से आपको जो लाइटें नजर आ रही हैं वो NH 48 ही है जो ट्रैफिक चल रहा है। यहां राइट में जो है आप देखें तो जो प्रतिमा है शिव जी की वो आपको नज़र आ जाएगी। यहीं से स्टार्ट होना है ये द्वारका एक्सप्रेसवे और एंड होगा खैर की धोला पर। तो हमने आज का पूरा जो रास्ता है गुड़गांव की तरफ से हमने पूरा कंप्लीट, हम यहाँ तक आए हैं NH 48 से ही हम चले थे और NH 48 पर ही वापस आए हैं। और अगर आप देखें तो आप भी अगर चाहें तो आप आ सकते हैं, 20 किलोमीटर्स का गुड़गांव का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से तैयार है। 4 किलोमीटर का जो रास्ता है बीच में बिजवासन के साइड में वो जो ट्रैक है वहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कतें आएंगी, आपको थोड़ा घूम के आना पड़ेगा, लेकिन वापस जैसे ही आप सेक्टर 25 की तरफ आते हैं तो वापस आपको जो द्वारका एक्सप्रेस वे है उसकी जो
रोड्स हैं, सर्विस रोड्स हैं, उससे आप आराम से आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।